जी, एमसी जो चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि फर्जी स्टिंग जो अभी स्टिंग जो सामने आ रहे हैं वो फर्जी स्टिंग है, जनता को गुमराह करने का काम किया। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी अरविंद केजरीवाल जी से कि कितने में डील फाइनल करी रिंकू द रेपिस्ट के साथ, क्योंकि आप तो डील फाइनल करने में माहिर हैं। आपने डील फाइनल करी 60 करोड़ में सुकेश के साथ कि उसको राज्यसभा की सीट मिलेगी। आपके यहाँ पर जो टिकट लेने आते हैं, किसी से आप 90 लाख लेते हैं, किसी से आप 1 करोड़ लेते हैं, किसी से 10 करोड़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों में दीन ईमान तो कहीं कोई रह नहीं गया है कि एक आम जनता के लिए जो काम के लिए काम करना है, आप लोग सिर्फ करते हैं कि किसी भी तरीके से पैसे अंदर आ जाए। स्टिंग ऑपरेशन की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन का खेल आपने शुरू किया था। स्टिंग ऑपरेशन में आप ही ने कहा था कि मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूँ और इसके अंदर कोई भी आदमी जो भी कहीं पर स्टिंग ऑपरेशन करते हुए देखे वो फ़ौरन हमें बता दे, और जैसे वो बता दे हम कहेंगे कि वो बर्खास्त हो, वो रिज़ाइन करे और उस पर संज्ञान लिया जाएगा। यहाँ पे संज्ञान लिए तो दूर अरविंद केजरीवाल जी, आपने सत्येंद्र जैन को तो आपने ही इज़ एन अक्यूज्ड और वो तिहाड़ जेल में बंद है, और आपने जहाँ पर हाई कोर्ट ने आपसे रिक्वेस्ट करी थी और एक आपको ऑब्जर्वेशन दिया था कि इस ऐसे क्रिमिनल्स को जो इस पद पर बैठे हैं उनको आपको हटा देना चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, आपने हटाया नहीं। वो जेल मंत्री होने के नाते सत्येंद्र जैन अंदर अपनी अब्यूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ ऑफ चेयर और जो भी वो कर सकते हैं उस दौरान कर रहे हैं, ना उन्होंने कैदी के कपड़े पहने। उसके अलावा कैदी के कपड़े तो अब छोड़ दीजिए, अंदर जब एक आम आदमी कैदी बन के जाता है तो एक आम आदमी हो जाता है। आर्टिकल 14 अप्लाई होता है उसके ऊपर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल बिफोर लॉ। आपने तो धज्जियाँ उड़ा दी उसकी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आप कई बार बात करते रहते हैं और गाना गाते रहते हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो फेंक साइड में कर दिया। आप तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में भी 10 बातें कहते आए हैं। तो जिस आदमी को यही नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके आर्टिकल्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसको किस तरीके से लीगली आपने प्रिजन एक्ट को आपने ख़त्म कर दिया, आपने जेल मैनुअल को फिनिश कर दिया, मतलब आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। आपने क्या किया, आपने एक अपने स्टिंग ऑपरेशन जो हम लोगों ने आपको दिखाया वो आपको इसलिए स्टिंग ऑपरेशन लग रहा है क्योंकि आपकी तरफ से नहीं आया और भाजपा पे ना लगा सके आप। अब क्या हो रहा है, भाजपा एक के बाद एक आप ही के कांड आपके सामने लगा रही है, आप ही का चेहरा आपको मुखरिया दिखा रही है, और तकलीफ यह हो रही है कि ये पार्टी दिखा रही है, भाजपा आम आदमी पार्टी नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी ये स्टिंग ऑपरेशन दिखा रही थी तो आप तो कूद कूद के बताते सब चीज़ों को। आप कहते हैं कि ये फर्जी है, तो आप मुझे बता दीजिए जो सत्येंद्र जैन का पैर दबा रहा है, जिसके नाम से आपने कहा है कि वो फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी जिससे आप करवा रहे हैं वो आदमी कौन है? क्या वो रिंकू एक रेपिस्ट नहीं है? क्या उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन 6 के अंदर क्या उसे नहीं रखा गया? 375, 509, 506 उस पर लगा है कि नहीं लगा है, ये आपको बताना है। इन तमाम आरोपों के बीच गोपाल राजो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि जब अमित शाह जेल में थे तो उनके लिए स्पेशल जेल गुजरात में बनी थी। देखिए ऐसा है, आरोप और प्रत्यारोप इसके ऊपर ये जो बात करते हैं उसका स्टिंग ऑपरेशन जो हम जो दिखा रहे हैं उसके बारे में उल्टा उनको बोलना ही है, वो बोलेंगे ही, वो इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि सत्येंद्र जैन आरोपी हैं और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए पैसा ले रहे हैं और प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं क्योंकि उस ओहदे पे बैठे हैं, वो ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा हवाला जो सामने आता है कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाया गया, वो आप लोकायुक्त की बात करते हैं, लोकायुक्त की बात करते हैं, वो लोकायुक्त जो है वो आप बताइए कहाँ गया? जन लोकायुक्त की बात करता हुआ आदमी जो अन्य हजारी के साथ जिसका फंडामेंटल ही यही था, आज गायब? आज वो लोकायुक्त है ही नहीं कहीं, आज आप बात ही नहीं करते। आपको आज करप्शन सबसे अच्छा लगता है, आपकी वो नींव है, आपको कितना स्टिंग ऑपरेशन दिखाएं हम कर करके, आपके लोग छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, आपके कल विधायक की पिटाई भी हो गई, अब बताइए ना लो, अब वो जान बचा के भाग रहा है। भाजपा के लोग पीट दिए और भाजपा के लोग बचाने जाते हैं। देखिए ऐसा है, वो पूरा सामने है, पूरे कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वो कॉन्वर्सेशन ये खुद देख लें और पढ़ लें, इनके पास जवाब नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि सवाल है मैडम,
कि गोपाल राय ने कहा है कि 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता भाजपा का इस्तीम कर। देखिए अब क्या है कि 4 दिसंबर को दुख इनको, सबसे बड़ी बात यही है कि 4 दिसंबर इनके लिए इनकी पार्टी का अंतिम दिन है। इन्हें परेशानी इसी बात की है कि इनकी पार्टी का अंतिम समय आ चुका है। दीप प्रज्वलित होता है पर जब उसमें लौ में घी ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़ोर से धबकती है, और यही हो रहा है अब आम आदमी पार्टी के साथ। इनके पास काउंटर अटैक में कुछ है नहीं, इनके पास हमारे ईमानदार कट्टर ईमानदार हम लोग हैं, भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद। अब हम सब लोग एक एक करके इनके सामने इनकी पोल खोलते चले जा रहे तो इनको बहुत दुख हो रहा है, और उनको दुख इस बात ही बात पर हो रहा है कि आम आदमी पार्टी कुछ क्यों नहीं दिखा पा रही इनका, क्योंकि हम आम जनता के साथ खड़े हैं और हम इसीलिए जनता को आगाह कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि आपने 7 साल से किसको सरकार बना कर दिया दिल्ली में। एक तरफ कांग्रेस से पल्ला छाटा और कहां पर जाकर, कहते हैं ना कहां से आसमान से खजूर पेड़ में आकर अटक गया, तो ये कहां पर खड़े हैं, इनका क्या रवैया है, इनका क्या इरादा है। अभी तो ये सत्ता में नहीं आए एमसीडी के, तो ये क्या हल करेंगे आम जनता के टैक्स पेयर मनी का, जो अभी से इतने इतने करोड़ों की बात करते हैं, रेपिस्ट से पैर दबवाते हैं, एक मजाक बना दिया बीमारी का। आप पूछे ज़रा जिसको स्पाइनल कॉर्ड का इशू होगा। और सबसे बड़ी बात, ये क्या मैसेज दे रहे हैं एक क्रिमिनल को जो इस वक्त जो जेल से बाहर है। बींग अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मैं इस बात का खंडन करती हूँ, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए, कि जो लॉ एंड ऑर्डर की धजिया जिस तरीके से इन्होंने उड़ा दी यहाँ पर, औरत को तो इन्होंने सुरक्षित किया नहीं, इन्होंने आज ये कहते हैं कि शराब पी लो जो हमने तुम्हें दी है, पंजाब से ड्रग ले लो और अब जेल में बैठकर प्रोटेक्शन मनी दे दो, और करोड़ों का रुपया देते मैं तुम्हें मसाज करवाने दूंगा, तुम्हें लोगों को बुलवाने दूंगा, जो लोग तुमसे आना मिलना चाहते हो मिलें। ये जिस तरह से यार निर्भया की कन्विक्ट्स भी होंगे कि तो उनके पास भी पहुंच जाएगा। अब सोचिए, मैं चाहती हूँ कि जनता जागे, क्या मैसेज जा रहा है क्रिमिनल्स को, क्या वो स्ट्रांग होंगे कि नहीं होंगे, क्या क्रिमिनैलिटी ब्रीड कर रही है कि नहीं कर रही। लॉ एंड ऑर्डर की धजियाँ उड़ाने वाले खुद मिनिस्टर, खुद मुख्यमंत्री जो किंग पिन है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप, ये बहुत दुख की बात है।